हेलो एवरीवन, दिस इज विकास एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पानी बतासे तो आपने खाए होंगे, कहीं पे इसको पुचका भी बोला जाता है राजस्थान में, तो कहीं पे इसे गोलगप्पा बोला जाता है, अपने इंदौर में इसे पानी बतासे बोले जाते हैं। दोस्तों, तो इसका पानी का टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है, तीखा और खट्टा मीठा टेस्ट रहता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रहा हूँ वो पानी बतासे की पानी की है, जो खट्टा मीठा और टेस्टी पानी रहेगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, पानी बतासे के पानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो है धनिया की ज़रूरत रहती है। इसके अलावा जो है कैरी लगेगा अपने को। कैरी को मैंने 15 मिनट पहले जो है काट कर भिगो के रख दिया है, ताकि उससे जो है हल्की सी वो मेल्ट हो जाएगी। 3 से 4 ग्रीन चिल्ली ली है। ये ग्रीन चिल्ली जो है कम तीखी रहती है, इसलिए मैंने 4 ली है। आपके टेस्ट के हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून जो है मैंने शक्कर ली है। इसके अलावा ये जो है दोस्तों पुदीने का प्यूरी है, जो कि मैंने फ्रीज़र में जमा के रखी थी। अगर आपके पास पुदीना अवेलेबल हो फ्रेश, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लगभग 100 या 50 ग्राम पुदीने का यूज़ कर लीजिएगा। मैं इस टाइप से प्यूरी यूज़ कर रहा हूँ उसकी जमाई हुई। और ये है जिंजर, अदरक का टुकड़ा मैं यूज़ करूँगा। और बाकी नमक मिर्च जो है मैं आपको बता दूँगा जब पानी बनाऊँगा उस टाइम पर। ये काली मिर्च का पाउडर है दोस्तों, जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा था। इसके अलावा ये है जीरे का पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर है, ये भी मैंने ऑलरेडी बना के रखा है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम जो ये कैरी जो 15 मिनट से भिगोई रखी है, इसको अपन ग्राइंडर में डालेंगे इस टाइप से। उसको ग्राइंड कर लेते हैं हल्का सा स्मूथ। देखिए दोस्तों, इस टाइप से हमें जो है पेस्ट बन गया है इसका स्मूथ। अब इसमें जो है अपने को धनिया ऐड करना है। अगर आपके पास कैरी नहीं है अवेलेबल, तो इसकी जगह आप जो है इमली का पल्प का यूज़ भी कर सकते हैं, इमली का यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसमें अब जो है हम धनिया ऐड करेंगे, और जो जिंजर है वो भी ऐड कर देंगे, अदरक ऐड करेंगे। इसके बाद जो है हरी मिर्ची हम ऐड कर देंगे, 2 हरी मिर्ची ऐड करते हैं स्टार्टिंग में। फिर उसके हिसाब से तीखा हम टेस्ट करेंगे, अगर ज़्यादा तीखा चाहिए रहेगा तो और 2 ऐड करेंगे। और पुदीने का जो हमारे पास आइस क्यूब था वो भी डाल देंगे दोनों। और जो शक्कर है वो भी ऐड कर देंगे, और इसको भी ग्राइंड कर लेते हैं दोस्तों। देखिए अब जो है पेस्ट हो चुका है, ये देखिए दोस्तों काफ़ी अच्छा पेस्ट बन चुका है। दोस्तों, इस टाइप से हमने एक तपेला ले लिया है और छन्नी ले ली है। अब जो अपन ने मिक्सचर बनाया है उसको जो है छन्नी की सहायता से छान लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा वेस्टेज जो है हमारे पास साइड में हो जाए। वो वेस्टेज को भी अपन यूज़ कर सकते हैं, उसको आप आलू के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीन चटनी के रूप में। ये देखिए दोस्तों, ये जो है हमने पूरा उसे छान लिया है, और छानने के बाद जो वेस्टेज है वो ये रहा है दोस्तों वेस्टेज। इस वेस्टेज को अपन जो है आलू के साथ भी यूज़ कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ। और इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूँगा, अब इसमें जो है 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। आप आपके टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपको पानी की क्वांटिटी और लगती है तो और ऐड कर लीजिएगा। मुझे 2 गिलास लग रहा है, तो इस वजह से मैंने 2 गिलास पानी जो है इसमें ऐड करा है, क्योंकि ये तीखा खट्टा मीठा पानी है, तो उसके हिसाब से अपने को क्वांटिटी बढ़ा के लेनी पड़ेगी। ग्राइंड करते समय अपन ने पानी कम लिया था, इस टाइप से 2 गिलास लिया है। अब जो दोस्तों इसमें हमको है लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है, जो कि 1/2 टेबल स्पून रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें 3 ग्रीन चिली मिला चुके हैं। इसके बाद जो है अपने को भुना हुआ जीरा पाउडर लेना है, जो कि लगभग 1 चम्मच रहेगा। इसके बाद काली मिर्च का पाउडर रहेगा, वो भी 1/2 टेबल स्पून के सम बराबर लेना है। इसके बाद जो है 1/2 टेबल स्पून जो है हमको काला नमक यूज़ करना है, और जो सफ़ेद नमक है वो भी 1/2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे।
हमें जो है चाट मसाला ऐड करना है, ये लगभग आधा टेबल स्पून के बराबर है। अब जो है इसको मिक्स कर लेना है एक करछी के सहायता से। इसमें जो है अब इसमें जो है थोड़ी सी हमको जो है बूंदी, जो फीकी बूंदी रहती है वो ऐड करना है। अब इसमें जो है दोस्तों फ्रीज में ठंडा होने के लिए भी आप रख सकते हो, या इसमें आइस क्यूब डाल के भी आप जो है सर्व कर सकते हो। बॉइल आलू है, इसको हमने मैश कर लिया है। ये ऑनियन है, बारीक चॉप कर लिया है। और वेस्टेज जो बचा था अपने को पानी में, ग्रीन चटनी के रूप में आप यूज़ कर सकते हो इसमें। इसमें अब जो है थोड़ा सा लाल मिर्च में ऐड करूँगा मसाले में, उसके बाद जो थोड़ा सा नमक ऐड करूँगा, अब जो ये वेस्टेज जो बचा था अपना वो ऐड कर देंगे इसमें। और जो है ऑनियन ऐड करेंगे हम, और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास बूंदी अवेलेबल है तो वो भी आप इसमें जो है ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने पानी में ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। जीरा वन भी आप ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो ये पानी पतासे की पानी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो दोस्तों जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे कमिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा दोस्तों। Till then, दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।